नमस्कार, पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तो देश भर की दो तिहाई सीटों पर, या यूं कहें कि 70% सीटों पर अब मतदान हो चुका है, लेकिन फिर भी असली लड़ाई बाकी है, क्योंकि अब जिन तीन चरणों की 163 सीटों पर मतदान होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से 41 सीटें यूपी की हैं, 21 सीटें बिहार की हैं, 24 सीटें पश्चिम बंगाल की और 17 सीटें उड़ीसा की और 7 सीटें दिल्ली की अभी बाकी हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से पर्चा भी भर दिया है। 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी पीएम के नामांकन पर देश भर की निगाहें लगी रही। कुल मिलाकर 2024 का जो चुनाव है अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से आगे का सफर बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। आज पांच की पंचायत में हम बात करेंगे कि अब फैसले की घड़ी आई, 163 सीटों पर है असली लड़ाई, बाकी है तीन चरण, अब होगा असली रण। चुनाव हुए दो तिहाई, अब है असली लड़ाई। यूपी का आधा चुनाव बाकी, कौन मारेगा बाजी, और बिहार की आधी सीटें बाकी, किसके सर पर सजेगी झांकी। तो पांच की पंचायत में हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले देखते हैं कि तीन चरणों की लड़ाई के पहले क्या क्या किए जा रहे हैं चुनावी दावे। अब की बार मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न करने और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पर, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस इनका सुपड़ा साफ हो गया है। कहां से 400 पार, ये लोगों को गुमराह करने का है। इस बार मोदी जी बीजेपी हार रही है, ये आप समझिए। जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। जनता ने बीजेपी को पलट दिया, इसीलिए 400 पार का नारा भूल गए, भाषा बदल गई उनकी। सशक्त भारत तभी होगा जब 400 के पार। मैंने बिहार में जो 5 क्षेत्रों में चुनाव हुआ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ ये नरेंद्र मोदी की जीत होगी। ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो पूरे बैकफुट पे आ चुके हैं। अब आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं, लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी साफ हो गया ये चौथे चरण के मतदान के बाद, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बीजेपी अर्श से फर्श पर आ गई है। अब की बार पांचवी पंचायत में हम अपने चर्चा की शुरुआत करें, उसके पीछे चलते हैं झारखंड, जहां पर गिरडीह में प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन खराबे से मुक्त होगी और ये मोदी की गारंटी है। साथियों,
आज आपने टीवी पर देखा होगा, कल रात को टीवी पर देखा होगा, इस पूरे चुनाव में अगर कोई पूछे मुझे कि मोदी जी सबसे संतोषजनक बात क्या लगी, तो मैं कहूंगा कल श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था, दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण यह संभव हुआ है। लोग कह रहे थे मोदी के आने के बाद संभव हुआ है। इस एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि मोदी के काम की दिशा सही है और मोदी के प्रयास सही परिणाम लाते हैं। ये श्रीनगर का कल का मतदान पूरे देश के लिए संतोष का, उमंग का, उत्साह का अवसर है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे लिए और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो, ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है, हमारे सपने हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं, तो जामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए, ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे। और जिस मोदी को गरीब से गरीब, अबाल वृद्ध सही, माता बहन सहित जब रक्षा कवच बन जाता है ना, तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है, अमरत्व प्राप्त हो जाता है। साथियों, मैं किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं,
और न ही मेरे पिता कभी किसी गांव के चुनाव में प्रधान भी बने हैं। मेरे परिवार का कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है। मैं गरीब मां का बेटा हूं। चाय बेचते बेचते यहां पहुंचा हूं और आपने मुझे पहुंचाया है, और इसलिए किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी को जिया हूं, और जो मुसीबतें मैंने झेली हैं मैं मेरे देश के गरीबों को उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मोदी का मंत्र है वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। पहले आपके इलाज की, सस्ते इलाज की किसी ने चिंता नहीं की। हमारे परिवारों में तो अगर कोई मां बीमार हो जाती है, कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, वो कभी घर में किसी को बताती नहीं है। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है। एक मिनट भैया प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वो दर्द सहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन अपने परिवार में किसी को अपनी बीमारी के विषय में बताती नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक ही भाव रहता है कि अगर परिवार में सबको बीमारी का पता चल जाएगा तो इलाज कराने का खर्चा कहां से लाएंगे, ये लोग कर्ज में डूब जाएंगे। अरे मैं दो चार साल मुसीबत झेल लूंगी फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को कर्जदार नहीं बनाना चाहती। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गिरडीह झारखंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और ये वक्त 5 की पंचायत का है। तो भारतीय राजनीति में अगले 18 दिन बहुत खास होने वाले हैं। इन आने वाले 18 दिनों में 3 चरणों में बाकी की 163 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और ये वो सीटें हैं जो न केवल बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि विपक्षी गठबंधन के लिए भी बेहद खास हैं। कई राजनीतिक जानकारों का ये तक कहना है कि 163 सीटें जो ये हैं वो 2024 के चुनावों का रियल फैक्टर साबित हो सकती हैं। क्या सच में ऐसा है? इन सीटों पर किसकी कैसी तैयारी है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वहीं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक झा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वहीं तारिक खान पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवधेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक जाने माने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का डीडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि ये जो 163 सीटें हैं ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन राज्यों में अभी चुनाव बाकी है वहां पर पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। यूपी की आधी सीटें अभी बाकी हैं, बिहार की आधी सीटें बाकी हैं, बंगाल की काफी सीटें बाकी हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी कहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, कुछ चिंता है आपको? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से आज मोदी जी का आपने नॉमिनेशन देखा होगा, नामांकन में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उनकी चाल थी, वो एक आत्मविश्वास से भरी हुई थी, और जिस तरह से उन्होंने एक नजीर पेश की है, एक आम उम्मीदवार की तरह उन्होंने नॉमिनेशन किया है, और देश को एक भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, मैं तो कहता हूँ भारतीय संस्कृति के एम्बेसडर बन चुके हैं मोदी जी। किस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, और आज का जो नॉमिनेशन था उनका, उन्होंने आज बाकायदा जनता के सामने बताया है एक प्राइवेट चैनल पे कि आज का दिन उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि आज गंगा मैया अवतरित हुई थी, आज ही के दिन हुई थी जी। तो ये वो दिन है, बड़ा पुण्य वाला है। और दूसरा मैं केजरीवाल जी का कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी एक साल बाद वो हट जाएंगे, तो आज आपने देखा होगा देश के 12 मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री और एनडीए घटक दलों के प्रमुख सारे किस तरह से आज काशी में मौजूद थे, और
देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग किस तरह से जोश में भरे हुए थे, लगता था कि यहाँ भारत का एक पूरा भारत छोटे उसमें उमड़ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली सीटें आपने बताई 163 सीटें हैं, इसमें तो हम पहले भी बहुत आगे थे, बड़ी मजबूत स्थिति में थे। तो जिस तरह से हमने काम किया है उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, जिस तरह से हमारी नीति है, नियत है, विजन है, तो हमारे को पहले से ज्यादा अच्छे रूप में आशीर्वाद मिलने जा रहा है और जनता ने मन बना लिया है। अगर मैं विजय जी पूर्वांचल की बात करूं, 26 सीटें वहां से आती हैं। पिछली बार 2019 में परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ था बीजेपी का, और अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात भी करें तो वहां की 130 सीटों में से बीजेपी करीब करीब 64 या 63 सीटें जीत पाई थी। तो क्या इस बार पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है? देखिए, पूर्वांचल में जो है आपने देखा होगा कि अब की बार वहां बहुत उत्साह है लोगों में, और वहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी राजभर जी, जो एसपी के साथ थी, आज वो भी हमारी नीति और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वीकार किया और हमारे साथ आना स्वीकार किया है। तो अब हम वहां बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और नतीजे जो आएंगे आप 4 जून को देखेंगे कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे पूर्वांचल से। ठीक, हमारे साथ दीपक झा भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक, अगर मैं कांग्रेस के नजरिए से 163 सीटों की बात करूं, हालांकि बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी देश भर में इस वक्त पूरे देश में चुनाव लड़ रही है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, लेकिन जो 163 सीटें हैं उसमें कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बचा नहीं, क्योंकि कांग्रेस जहां पर नंबर 2 पोजीशन पर या नंबर 1 पोजीशन थी उन राज्यों में लगभग चुनाव हो गए हैं। तो क्या अब कांग्रेस की जो पूरी नजर इन 163 सीटों पर होना चाहिए वो अपने जो सहयोगी गठबंधन है उसको मजबूत करने के लिए होना चाहिए? दीपक, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव है मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, देश के उन मुद्दों पे भाजपा इस समय बैकफुट पे है। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं कि इनको सारा का सारा जमावाड़ा लगाना पड़ गया आज बनारस में दिखाने के लिए कि इनके पास कितने नेता हैं, कितने मंत्री हैं और कितने मुख्यमंत्री हैं, तो दिखाना पड़ रहा है इनको। अगर इतना ही काम किए होते पिछले 10 सालों में तो जो आडंबर का प्रपंच और पाखंड का जो स्वांग रचा जा रहा है ये देश में इस ऐसे हालात पैदा नहीं होते। आज इनके पास काम गिनाने के लिए नहीं, इसलिए प्रचार करना पड़ रहा है, आज इनको बताना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बात ये नहीं कि कितने सहयोगियों के साथ जा रही है, कितने दलों पे, कितने सीटों पे, बात है कि भाजपा को साफ करने का जो प्लान है उस देश की जनता ने, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा है, वाकई में मोदी चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव लड़ रहा है जनता। जनता किसके लिए लड़ रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है जनता, लड़ रही है चुनाव जो मोदी जी ने अपने सुरक्षा कवच बनाए हैं, जो बॉडी गार्ड बनाए हैं। एक तरफ प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा अपने ऊपर मुखौटा लगा लिया, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को इन्होंने संरक्षण दिया उनके बेटे को टिकट देकर। तो भाजपा से देश उबता चुका है और जनता समझ चुकी है कि आडंबर और पाखंड का पराकाष्ठा पहुंचा रही है भाजपा, धर्म के नाम पे स्वांग रचा रही है। एक तुलसीदास ने बड़ी अच्छी चौपाई कही है, जान न जाय निसाचर माया काल नेम के कारण आया। तो एक काले नेमी रूपी भाजपा जो है और नरेंद्र मोदी जी उसके जो मुखौटे बने हुए हैं ये जनता अब समझ चुकी है, पहचान चुकी है। 10 साल बहुत होता है, आप महंगाई की बात करते नहीं, बेरोजगारी की बात करते नहीं, युवाओं की भविष्य की बात करते नहीं, आप ये दिखाते हैं गरीब माँ का बेटा। 2014 में भी आपने यही कहा था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, 2014 में भी बताया था आपने गरीब माँ का बेटा हूँ। भैया क्या गुनाह है गरीब होना? इस देश में सारे गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, तो देश में गुनाह नहीं है गरीब पैदा होना मोदी जी, देश में गुनाह है कि गरीब को मार देना। और आपने गरीबों को मारा है इस तरीके से 2021 में, 20 में, कोरोना काल में मां गंगा के किनारे सैकड़ों नहीं लाखों लाशें बह रही थी, तो आपने गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है। तो गरीब जनता अब उसका वक्त आ गया है, क्योंकि ताकत दिखाने का है, वोट का चोट, तो वोट की चोट से 163 नहीं, मैं तो कहता हूं कि भाजपा कहीं ना कहीं 163 पे पूरे देश में सिमट जाए, ये भी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए प्रखर जी। ठीक है, हमारे साथ तारिक खान साहब भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन आपने जो दो बातें कही, जमावड़े की बात कही, तो काशी में आपने जमावड़े की बात की, लेकिन हमने रायबरेली में भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जो था वो रायबरेली में राहुल के नामांकन में था। तो जब कोई बड़ा नेता नामांकन भरता है तो ऐसा होता है। दूसरी बात आपने कही कि बार बार वो गरीब का बेटा होने की बात दोहराते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब से सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी राजनीति में आए तब से वो भी अपने परिवार के बलिदान को बार बार गिनाते हैं। खैर, हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तारिक खान प्रवक्ता हैं। तारिक जी,
समाजवादी पार्टी के लिए अगला चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल की 26 सीटें पिछली बार प्रदर्शन में सुधार किया था समाजवादी पार्टी ने, और इस बार जो है वो कांटे की टक्कर पूर्वांचल में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अब आखिरी समय में क्या तैयारियां है यूपी के पूर्वांचल की सीटों को लेकर? देखिए, पूर्वांचल की सीटें पे जो पूर्वांचल में वैसे तो 13 सीटें आती हैं जो मेन पूर्वांचल की कही जाती हैं, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी, अभी उनमें वोटिंग होना भी बाकी है जी, और उसी में बनारस भी आ जाता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2014 में मोदी साहब ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं माँ गंगा की सेवा करने आया हूँ और नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वादा किया कि 22 तक माँ गंगा को साफ कर देंगे, और माँ गंगा को एकदम साफ कर दिया, इतनी प्योरिटी कर दी कि अभी मैं गया था मेरा दिल खुश हो गया, और बनारस के लोगों से अगर आप पूछें तो वो भी कहेंगे कि इतना साफ कर दिया कि नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड ने जो एक साल पहले रिपोर्ट पोस्ट की उसमें कहा कि गंगा नदी 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई, माँ प्रदूषित हो रही है और बेटा देख रहा है, बेटा बातें कश्मीर की कर रहा है, बेटे ने कश्मीर की 3 सीटें जहां 96 से लड़ती आ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि कश्मीर भारत में मिल जाए, वो सपना पूरा कर दिया मोदी ने, वो सपना पूरा करके भाग गए, क्यों नहीं लड़े 3 सीटों पर कश्मीर की चुनाव? तो माँ गंगा की बात करने वाला बेटा माँ गंगा को साफ ना कर पाया, कश्मीर में धारा 370 हटाने वाला बेटा कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ पाया। ये सवाल हमारे नहीं, पहली बात ये सवाल वहां की जनता पूछ रही है, जिसने बोरे में भर भर के, जैसे टेम्पो में भर के अडानी ने पैसा भेजा था, वैसे ही बोरे में भर भर के आपके मुंह में ठूस ठूस के आपको वोट दिया है, और वो वोट खा के आपने निगल के डकार मार के आप बैठ गए और उनको वापस नहीं दिया, और वापस दिया इतनी छाती पीट रहे हो, छाती ठोक रहे हो, अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था कि धारा 370 की छाती पीट रहे थे, क्यों नहीं उन 3 सीटों पे चुनाव लड़े आप? क्या डर है आपको? लड़ते उनसे वोट मांगते, 3 वोट मिलता, लोकतंत्र में आप 1-0 सीट भी जीतेंगे, हम भी जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं राजनीतिक कायर, इन्हीं को कहते हैं राजनीतिक कायर। मोदी राजनीतिक रूप से कायर है, इसलिए वो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे। मोदी माँ के अच्छे बेटे नहीं है, वरना रिपोर्ट पेश करते चुनाव से पहले बनारस की जनता को कि अपनी माँ की सौगंध खा के आए थे कि माँ की सेवा करने आए, उस माँ गंगे कितना साफ कर दिया था, हजारों करोड़ रुपए के 5-6 घोटाले हैं वहां पर, बहुत समय लग जाएगा सब बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं ये वहां की जनता जवाब देगी, और माँ गंगे का अस्तित्व सिर्फ बनारस से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। जो झूठे वादे आपने किए थे जनता करारा जवाब देगी, और जनता आप जवाब। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है 26 सीटों पे, ये संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तो 26 सीटों पे तैयारी हमारी है, हर सीटों पे हम लड़ रहे हैं, बचे हुए सीटें हैं, कैंपेन जिस हिसाब से लगभग 8-13 इस तरह से हर फेज में सीटें आ रही है, इस बार में सबसे ज्यादा 13 सीटें थी, अब जो बची हुई सीटें हैं उनमें एक दिन में लगभग 2 सभाएं अक्लेश जी कर सारी जो हमारे फेजेस की सीटें हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, यही प्रिपरेशन। ठीक है, अवधेश जी, आपने तीनों पार्टी प्रवक्ताओं की बात सुनी, और सवाल जो मेरा था वो तीनों ही जो है राष्ट्रीय स्तर पर बात करते रहे, मेरा सवाल बार बार सबसे यही था कि उत्तर प्रदेश पर अब नजरें लगी हुई, 41 सीटें बची हुई हैं, बिहार में आधी सीटें, 21 सीटें बची हुई हैं, 24 सीटें बंगाल में बची हुई हैं, तो ये जो 163 सीटें हैं ये जो 2024 के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होगी, क्योंकि हमको ये राजनीतिक प्रवक्ताओं से जवाब नहीं मिले, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पे दर्शकों की थोड़ी सी जो है जानकारी और सामान्य ज्ञान बढ़ा पाएंगे। अब जाहिर है कि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन सबको भाजपा की ज़्यादा चिंता है, मोदी जी भाजपा उसकी ज़्यादा चिंता होती है अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस का। कोई देखिए, पिछली बार का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें बसपा और सपा उस क्षेत्र में दोनों मिलकर लड़ी थी, और आप जानते हैं कि उसका वेस्ट में और ईस्ट में उसका प्रभाव हुआ था, और उसके कारण जो है बीजेपी की थोड़ी सीटें घट गई थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग से लड़ रही है, बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज आपको पता है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का तो एक वोट परसेंटेज 18-17% रहा, हालांकि विधानसभा में 12% उनका हो गया था, कांग्रेस का वोट परसेंट जो है वो 6% के आसपास रहा है,
तो इस बार का जो गठबंधन है वो उस रूप में सशक्त नहीं है, चाहे सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से देखिए, वोटों की दृष्टि से देखिए। तो वो ये मान लेना कि वो प्रदर्शन शायद इस बार दोहराया जाएगा। अच्छा, दोहरा भी अगर देते हैं मान लीजिए, तब भी नंबर वन कौन पार्टी रहेगी, वो तो बहुत साफ है। तो उसके लिए जब आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी, जब बसपा सपा गठबंधन जैसा सशक्त गठबंधन था, इसके बावजूद बीजेपी को आप साफ नहीं कर सके, बीजेपी तो अब इस समय क्या करेंगे आप, तो उसका कोई उत्तर तो आया नहीं। इस समय आप देखेंगे कि तीसरे चरण आते आते, आपने वोट का परसेंटेज भी बढ़ा है, तीसरे चरण आते आते थोड़ा सा आप देखेंगे कि वोट के जो पूरा एक कैरेक्टर है, मतलब वोटिंग का, उसमें चेंजिंग आया है। जिस दिन से नरेंद्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अयोध्या, योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हैं, वहां रोड शो हुए हैं, और आप देखेंगे कि दोनों से करीब 68% के आसपास वोटिंग हुई है कल, तो वो वोटिंग हुई है। तो जाहिर है कि अब आगे का जो सीजन है, अब कहां कहां बचा है, वेस्ट बंगाल है बिल्कुल, अब वहां मान लीजिए वहां कांग्रेस पार्टी तो है नहीं ना, वहां तो जो भी लड़ना है तृणमूल कांग्रेस के लिए पंजाब हरियाणा हिमाचल, बस कांग्रेस का जो है नहीं, दिल्ली में भी मान लीजिए, दिल्ली में भी अगर एक बार मान, अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में पुरानी पार्टी रही है तो कांग्रेस हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इतनी जगह है। बाकी जगह कांग्रेस का, रायबरेली से राहुल जी लड़ रहे हैं, रायबरेली में एक मान सकते हैं, क्योंकि रायबरेली पिछली बार भी वो जीते थे। लेकिन इवन जो अभी देखिए, रायबरेली और अमेठी को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें किसी विधानसभा में जो कांग्रेस को लीड नहीं थी, एक विधानसभा में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में थी, समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी आप एक एक जो ऊंचा हार से विधायक हैं वो इनके साथ, उनके साथ नहीं है। अदिति सिंह इस समय एक्चुअली बीजेपी के साथ हैं, और जो समाजवादी पार्टी की जो लीड है विधानसभाओं में देखेंगे तो 4000 से 6000 के बीच है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लीड है जिसको कि पार नहीं किया जा सकता है। रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम ना केवल यूपी बल्कि बिहार और बंगाल की राजनीति की बात करेंगे, जो जहां पर अभी आधी आधी सीटें बाकी हैं, जहां पर मतदान होना अभी बचा हुआ है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। पांचवी पंचायत में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं कि जो अभी 163 सीटें, तीन चरणों का चुनाव बाकी है, 163 सीटें जो बाकी हैं, ये एक रियल फैक्टर 2024 का साबित हो सकती हैं। उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, साथ ही मौजूद हैं अवधेश कुमार जी, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। विजय जी, हम ब्रेक से पहले बात की हमने उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ आने अन्य राज्यों की भी, तो हम देखते हैं कि बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है, बंगाल को लेकर बहुत बड़े दावे किए गए हैं अमित शाह जी द्वारा। इसके अलावा बिहार एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए, और यूपी की तो हमने बात कर ही ली है, तो बंगाल को लेकर और खासकर उड़ीसा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावे, उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि 25 के ऊपर भी सीटें जो है बंगाल में वो ले सकती है, क्या वजह आप देखते हैं इसकी? देखिए, पिछले दिनों आपने बंगाल में देखा होगा किस तरह से मेरी माता बहनों की इज्जत लूटी गई, उनकी जमीनें लूटी गई, और किस तरह से वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह से तुष्टिकरण है वहां पे, और बॉर्डर से किस तरह से घुसपैठी आते हैं। तो ये जनता है, इस जनता के करोड़ों आंख, करोड़ों कान हैं, सब बारीकी से देखती है जनता। तो वहां जनता ने देखा है किस तरह से ममता दीदी ने, जो अब बहुसंख्यक हैं, वहां तो अल्पसंख्यक हो गए, उनको रामनवमी भी नहीं मनाने दिया जा रहा जी। तो उससे जनता त्रस्त है, वहां पे विकास कार्य कुछ हो नहीं रहे,
वहां पे राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। किस तरह से राजनीतिक हत्याएं, आपने देखा होगा कि पुलिस पिट रही है वहां पे, ईडी पिट रही है वहां पे, कोई संस्था कानून नाम की, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो आप देखिए बंगाल में हम 30 से भी ज्यादा शायद हो सकता है कि हम ले लें, लेकिन 30 के आसपास हमारी सीटें आएंगी। पिछला रिकॉर्ड हमारा जो है वो ध्वस्त होगा, हम खुद ही ध्वस्त। तो कहीं ऐसा तो नहीं लोग कह रहे हैं कि जो यूपी में घाटा हो सकता है बीजेपी को या अन्य राज्य में हो सकता है बंगाल से कवर होगा, ऐसा मानते हैं? यूपी में हमारी पिछली सीटों से भी ज्यादा सीटें आएंगी। आप देखना 4 तारीख को आपके इस चैनल पे बैठेंगे तो फिर डिबेट में हिस्सा लेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी मैक्सिमम सीटें आएंगी। ठीक है, यूपी में तो हम अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बंगाल में भी हम अच्छा करेंगे, बिहार में जो हमारे एक सीट नहीं आई थी उसको भी हम लाएंगे, क्योंकि आप हमारा पिछला प्रदर्शन देखेंगे 2015 में 2014 में हम अकेले लड़े थे फिर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2019 में नीतीश जी हमारे साथ थे तो हम 40 में से 39 लाए थे, और अब तो आपने देखा होगा किस तरह से जंगल राज पार्ट 2 लाने की कोशिश हुई थी, नौकरी के बदले वही घूसखोरी की कोशिश हुई, तो लोगों ने देखा है, लोग त्रस्त थे वहां, परेशान थे, तो उसी वजह से नीतीश जी जो है हमारे साथ दोबारा आए, और वहां लोगों में लाखों लोग मोदी जी के भाषण सुनने आते हैं और वहां पे अपना मन बना के जाते हैं, बड़ा उत्साह है। पटना में पहली बार देश में आपने देखा होगा जब से इलेक्शन हुए हैं तब से कितना बड़ा रोड शो, 1 किलोमीटर रोड शो बढ़ाना पड़ा, वहां पे लोगों का हुजूम था, तो ये सब चीज बनती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आप ये मान के चलिए कि 400 पार एनडीए की सीटें आने जा रही हैं। ठीक है, ये जो दीपक झा जी ये तो कह रहे हैं कि 400 पार आने वाली है, लेकिन आपने अवधेश जी की बात ब्रेक से पहले सुनी होगी, अवधेश जी जो कह रहे हैं कि पूरा फोकस जो है कांग्रेस का वो एक तरह से सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर शिफ्ट हो गया है और बाकी जगह से कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे दीपक? देखिए अवधेश जी का अपना एक मत है, उनके अपने एक विचार है, आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं, उनकी पत्रकारिता अपने हिसाब से काम करती है, तो मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि वैसे जायज सवाल था, मतलब देखिए मैं जायज सवाल भी कहा, मैं उस पर कोई एक उनकी विचारधारा है, पत्रकारों का भी एक विचारधारा होता है ना, तो पत्रकारिता भी उसी विचारधारा की बहती हुई नदी की धारा है। नहीं देखिए पहली चीज दुरुस्त कर लीजिए, पत्रकारों की कोई विचारधारा नहीं होती, सवाल होते हैं, सवाल नजर आता है, जिस तरह से रायबरेली में पूरा फोकस है, प्रियंका जी वहां पर हैं, जिस तरह से भूपेश बघेल को वहां पर इंचार्ज बनाया गया है, राहुल जी पूरी ताकत लगा रहे, कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए अपने नेता को चुनाव जिताने के लिए, ये सवाल बनता है, जायज सवाल तो जो उन्होंने पूछा था, सवाल के बाद जवाब ले लीजिए। जी जी बिल्कुल, बात है इन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रवक्ता, विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बातें कर रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए पत्रकार महोदय जी को कि सरकार नरेंद्र मोदी जी 10 साल चलाए हैं, तो 10 सालों में हम जवाब राहुल गांधी से मांगने नहीं जाएंगे। ये भाजपा वालों का चरित्र है कि जब आप नरेंद्र मोदी जी से महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, बॉर्डर पे समस्या की बात करिए, तो हर एक चीज के लिए नेहरू गांधी को ये लाके सामने खड़ा कर देता है, तो नरेंद्र मोदी जी तो पीठ पीछे भाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज की वर्तमान के जो हालात है, जो अभी बंगाल की बात करें, बंगाल में भी बॉर्डर है, बांग्लादेश से बॉर्डर मिला हुआ है, कह रहे हैं घुसपैठी आ रहे हैं, कहां से आ रहे भैया, 10 साल आप है सीमा सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं, सीमा सुरक्षित नहीं है आज, और अभी भी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो फिर तो दुर्भाग्य की बात है, बंगाल में आए चाहे पंजाब में आए चाहे कहीं भी आए, तस्करी हो रही तो दुर्भाग्य की बात है, गुजरात में ड्रग्स पकड़े जाते हैं दुर्भाग्य की बात है, तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस क्या है, देश के मेन मुद्दों को मंगलसूत्र मटर मछली मीट पे बरगलाती है, उसका थोड़ा जवाब दे दी कि रायबरेली अमेठी पर ही पूरा फोकस है क्या कांग्रेस का? बिल्कुल पूरा फोकस नहीं है, राहुल जी हर जगह जा रहे हैं, सोनिया जी जा रही हैं, प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी मैक्सिमम टाइम चुनाव में हर जगह जाती है और रायबरेली में भी वो स्पेशल रूप से रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये बताइए कि रायबरेली के अलावा आपको ऐसा कौन सी जगह नहीं लगी जहां पे प्रियंका गांधी जी नहीं आ रही है? सीट बाय सीट, स्टेप बाय स्टेप सारी जगह, मध्य प्रदेश गई, छत्तीसगढ़ गई, तेलंगाना, तीन चरण उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं आने वाले तीन चरणों की भी बात बता रहा हूं, तो अगला जो चरण है, अगले जहां चरण है, तो उसके इर्द गिर्द सारी सीटों पर जाएंगे, मुद्दा ही नहीं है, हम देश की जनता को बस ये बताना चाहते हैं कि ये आपको बरगलाएंगे, मंच से झूठ बोलेंगे, मंच से डराएंगे, हम तारिक साहब के पास काम नहीं करना है। ठीक है, तारिक साहब जो बात अवधेश जी ने ब्रेक से पहले कही थी, उन्होंने कहा था कि पिछली बार जो बीजेपी को टक्कर मिली पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये थी कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गठबंधन था, लेकिन इस बार कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि आपका जो इस बार साथी है, जो मुख्य साथी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस,
वो कमजोर है। अब स्थिति ये आ गई है कि रायबरेली में राहुल गांधी जीत जाएं इसके लिए भी समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। अखिलेश यादव को जाकर वहां पर संयुक्त रैली राहुल गांधी के पक्ष में वहां पर करना पड़ेगी, तब जाकर ऐसा माना जा रहा है कि राहुल वहां पर मजबूत नजर आएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे तारिक साहब? ये दो सीटें नेताजी के समय से हम इसको छोड़ते आए हैं और बाकायदा समर्थन देते आए हैं जी। और ये इसी प्रथा को अखिलेश जी ने कहा था कि गठबंधन हो ना हो हम जारी रखेंगे। तो एक तरीके से अगर कोई सीट आप छोड़ रहे हैं तो आप उनका एक तरीके से प्रचार करते ही थे। इससे पहले भी अगर हमने छोड़ा तो हमारे लोग वहां क्या करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे नहीं, तो वो कांग्रेस को ही वो समर्थन करते थे। अभी रायबरेली की किसी ने बात की, आपको पता हो बता दूं मैं कि आदित्य सिंह प्रचार नहीं कर रहे। आदित्य सिंह वहां की विधायक विधानसभाओं की बात हो रही थी ना, वो जो वहां के कैंडिडेट हैं उनके पिताजी की और ये जो अभी के कैंडिडेट हैं इनके पिताजी की बड़ी। आदित्य सिंह अगर नहीं आपके हिसाब से, चलिए मनोज पांडे आ गए आपकी तरफ से उनके लिए प्रचार करने के लिए। अरे भाई मनोज पांडे भी तो एक तरीके से हमें छोड़ के उधर ही है, तो ठीक है वो भी नाराज है। आप सुन लीजिए बात पहले, पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि जो इनके अंदर जो गुटबाजी है उसको कोई उजागर नहीं करना चाहता। ये जो राजनीतिक विश्लेषक लोग है ना, इनको हमारी कमी तो मुंह पे दिख जाती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी वालों की भी कमियां देखिए। आदित्य सिंह ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उनके बेटे ने ट्वीट किया जो वहां के अभी प्रत्याशी है, जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मंच पे एक बार भी आदित्य सिंह ने इनके लिए प्रचार नहीं किया वहां के कैंडिडेट के लिए। और जो मनोज सिंह पाला बदल के उधर चले गए हैं, नाम के हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी प्रचार नहीं किया। ये दोनों लोग नाराज हैं, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, उनकी झंझटें वो जाने, हमसे मतलब नहीं है। अब मैं बीएसपी की बात करता हूँ। बीएसपी के साथ पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, देखिए इस चुनाव में बीएसपी का क्या आधार रह जाएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि 2% वोट को बीजेपी पार नहीं कर पाई। अगर बीजेपी जहां तक पहुंची थी वो समाजवादी पार्टी की देन थी। अब लोग बीजेपी से बीएसपी से चुनाव लड़ने के तक के लिए नहीं तैयार है। जो कुछ मैंने कहा वो बीएसपी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है, बीएसपी से चुनाव लड़ने तक के लिए नहीं तैयार है, टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बीएसपी का आधार खत्म हो चुका है, बीएसपी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट है, ये इस चुनाव के बाद साबित हो जाएगा। हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसका 2003 से जिस तरीके से बीएसपी का पतन हुआ, इस तरीके से हिंदुस्तान में आज तक कोई एक उदाहरण आप नहीं देख पाएंगे कि किसी एक पार्टी का पतन हुआ हो जो 26% 28% वोट शेयर रखती थी, जो जो स्टेट में 2007 में 203 सीटें जीतती थी, आज उसका एक विधायक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीएसपी की बात ठीक है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात तारिक भाई उठाई है। अवधेश जी जो अभी बीएसपी की बात, कांग्रेस की बात होना चाहिए जी। अवधेश भाई जो तारिक भाई ने जो बात उठाई और कहा कि जो बीएसपी का जो फैक्टर पूरा बताया, तो अभी जो 163 सीटें और 41 सीटें जो यूपी के अंदर है उसमें बीएसपी के परफॉर्मेंस पर कितने नतीजे निर्भर कर रहे हैं? देखिए ये सबको मिला के ले चलिए, पहले तो लोकसभा चुनाव में एक ओवरऑल राष्ट्रीय वातावरण होता है। ठीक, वो वातावरण क्या है, एक लीडर होता है कि हम देश को किसके हाथ में देना चाहते हैं, वो लीडर जो है वो किस बात का प्रतीक होता है। तो एक ओवरऑल कुछ प्रतिशत वोट तो इसके आधार पर संपूर्ण देश में मिलता है, पक्ष में भी जाता है विपक्ष में मिलता है। उसके आधार पर अगर इस समय आप देखेंगे तो इस समय का जो माहौल है, नरेंद्र मोदी एक नेता है, सामने कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई नेता हो जिसकी ओर लोग देखे कि इस नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के पक्ष में सभी राज्यों में गया है। सेकेंड जो इस समय है कि जो उत्तर प्रदेश पर आऊंगा, पश्चिम बंगाल जो है उसमें इतिहास दोहराया जा रहा है। जैसे वामपंथियों ने पहले कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वही मुख्य थे, जनता ने उनको समर्थन दिया, फिर ममता बनर्जी ने वामपंथियों से लड़ाई लड़ी, उनके कार्यकर्ता मरे, सब कुछ हुआ, फिर उनको सपोर्ट मिला। अब ले देखे वहां इस समय बीजेपी ही है। पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, तो वहां केवल दो ही पार्टी रह गई है मुख्य रूप से, तीसरी पार्टी इस समय वहां है नहीं, विधानसभा में तो कोई पार्टी नहीं रही, तो इसीलिए दो पार्टियों में है। और वहां के लोगों को यह लग रहा है, खासकर जो हिंदू है वहां के, मतलब मैं इसको कोई सांप्रदायिक विषय नहीं रहा हूं, लेकिन वहां जिस ढंग से सरकार ने सांप्रदायिक खेल खेला है उसके विरुद्ध जो वहां लड़ाई हुई है उसमें सबको यह लग रहा है कि बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए ज्यादातर जगह यूनाइट होकर के फाइट किए हैं, जेल गए हैं, बीजेपी ही अच्छी बुरी जो भी है मिली है, तो वहां बीजेपी ही को ही ममता बनर्जी के अगेंस्ट जो भी वोट है वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो जाहिर है वहां वो सफलता मिलेगी उसमें कोई। फिर भी अधीर रंजन जी एक आध सीट तो अब नहीं, देखिए अधीर रंजन जी के साथ जो जैसा उम्मीदवार ममता बनर्जी जी ने खड़ा कर दिया यूसुफ पठान,
अगर उसने वहां के मुसलमानों का वोट काट लिया 28-30% 27-28% तो अधीर रंजन जी के लिए लोकसभा पहुंचना बिल्कुल कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां का एक बड़ा वर्ग, यद्यपि उनकी इज्जत है वहां, उनकी प्रतिष्ठा भी है, बीजेपी के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वहां का इक्वेशन इस समय उनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। जीते तो हमारे लिए भी, हम लोग भी चाहेंगे, हम तो हमारी अच्छा, वो तो खुद ही कहते हैं कि जो टीएमसी को वोट देने की बजाय बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी को दे दो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि क्या स्थिति बन रही है। अब जो उत्तर प्रदेश में है, देखिए बसपा कमजोर हुई है, उसका वोट गिरा है, लेकिन वो वोट किसके पक्ष में गया है? क्या वो समाजवादी पार्टी की ओर चला गया है, ये देखना पड़ेगा, या वो बीजेपी की ओर गया है? बीजेपी पिछली बार 49.5% वोट जो है उसने लोकसभा में पाया था, इसके बावजूद 50% वोट की बात उसने हुई थी। तो बीएसपी का जो वोट है, खासकर उनके उनका जो एक दलित का वोट बैंक है, वो बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में अभी तक जाता हुआ नहीं दिखा है। मतलब आपका ये कहना है कि जब बीएसपी कमजोर होगी, जो तारीख कह रहे थे कि बीएसपी जो कमजोर हो रही है, अगर कमजोर होगी तो फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को मिलेगा। उससे मैं सहमत हूँ, बीएसपी कमजोर हुई है, तभी तो विधानसभा में 12% वोट और एक विधायक रह गए। उनके जो विधायक जीत के पिछली बार भी गए थे, उसके पहले 19 विधायक थे, ज्यादातर दूसरी पार्टियों में चले गए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चले गए, वहां तक ठीक है। लेकिन क्या जो तारीख कह रहे थे कि एकदम वोट बैंक जो बिल्कुल नीचे आ जाएगा और सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मतलब नीचे आने के बीएसपी के, क्या वो आपको लगता है कि मायावती की पार्टी भले कितनी बार टूटी हो, लेकिन हर बार टूटने के बाद वो फिर नए सिरे से बनी है? नहीं, ऐसा है, देखिए इस समय बीएसपी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, उसके सामने अब एक पहचान का संकट है दलितों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद उसका एक वोट बैंक अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, माने एकदम बुरी स्थिति में भी अगर वो 12% वोट विधानसभा में ले आती है, जबकि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी का संपूर्ण विरोधी वोट कंसोलिडेट होकर समाजवादी 2014 में भी देखा था कि जीरो सीटें थी लेकिन वोट थे। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के विरुद्ध सारा कंसोलिडेशन जो था वो समाजवादी पार्टी को था, कि बीजेपी हराना जो भी चाहते थे वो सब एसपी की ओर गए। इसके बावजूद अगर वो 12% के आसपास वोट गई है तो उसको एकदम से हम खारिज नहीं कर सकते, उसका एक वोट परसेंटेज है। उसने जिस प्रकार से उम्मीदवार खड़े किए हैं जातियों के आधार पर, वो भी अपना वोट काट रहे हैं। ज्यादातर उम्मीदवार को आप देखेंगे कि वो बीजेपी को बहुत ज्यादा डैमेज करने वाले नहीं है, ठीक है, ये भी उसमें सच्चाई है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पांचवी पंचायत में बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब सीधे चलते हैं झारखंड के कोडरमा में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक रोड शो किया है।
तो आप देख रहे थे कोडरमा में प्रधानमंत्री का रोड शो और किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा था, आपने खुद तस्वीरों में देखा। फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पांच की पंचायत में हम चर्चा करेंगे बंगाल और बिहार की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पांच की पंचायत पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि 163 सीटें तीन चरण, और तीन चरण में किसका किस तरह का रहेगा रण, कौन पड़ेगा किस पर भारी, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान विजय जी। ब्रेक से पहले हमने देखा अभी कि कोडरमा में झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी का जो है रोड शो था, अचानक वो रोड शो तय किया गया, और हमने लोगों का उत्साह भी देखा। अगर हम झारखंड की भी बात करें और साथ में बिहार की भी बात करें, तो बिहार में ये लोग जानकार लोग कहते हैं कि बिहार में बीजेपी कहीं बेहतर कर सकती थी, अगर बिहार में बीजेपी ने कोई एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा नेता अपने लिए तैयार किया होता तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों में बिहार में बीजेपी या तो केंद्र के नेताओं पीएम मोदी के भरोसे है या फिर नीतीश कुमार के भरोसे। जी विजय जी। जी देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। अभी हमारे दिवंगत नेता, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सुशील मोदी जी वो नहीं रहे। इसके अलावा हमारे पास जमीन से जुड़े बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, और हमारे मोदी जी तो पूरे देश के सपूत हैं। किस तरह से वो गरीबों के लिए काम करते हैं, आज उन्होंने गंगा जी में खड़े होकर बात बोली है, और देश ने कितने भावुक तरीके से वो सुनी है। और अभी आपके सामने आपके चैनल पे मैं देख रहा था, लोग किस तरह से नंगे पैर लाखों की संख्या में मोदी जी की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं, और इतनी गर्मी में, वहां तो इतनी सारी गर्मी है, ना कोई एसी है, ना पानी है, ना कुछ है, कड़ी धूप में। तो मोदी जी जो है वो अपने आप में एक गरीबों के मसीहा है। उन्होंने स्थापित कर दिया देश में कि अब जिस तरह से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मजाक उड़ा रहे थे अभी गरीबी का, तो इनके युवराज हैं, उन्होंने भी ऐसी मजाक उड़ाया था कि गरीबी तो मानसिक तौर पे होती है, दिमागी तौर पे होती है, क्योंकि उनको क्या पता गरीबी क्या चीज होती है। तो बिहार में मैं बताता हूँ आपको, बिहार में हमने अकेले चुनाव लड़ा था तब लोकसभा का, तब भी हमारी सीटें बहुत अच्छी आई थी। लेकिन क्या है, हम गठबंधन का धर्म निभाना जानते हैं, ये कहते हैं हम कश्मीर वैली में इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि इनको मिर्ची लग गई। अरे भैया, हम इज्जत के साथ लड़ते हैं, इज्जत देते हैं हम। आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी को हमने दो सीटें दी, जहां वहां हम पहले पिछला इलेक्शन जीते थे। तो हमारा तो ये रहा है कि हम सम्मान के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, सम्मान देते हैं, और तभी हमारे साथ 25 साल से, 30 साल से, 20 साल से पार्टियां जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, वहां हमारी तीन सीटें पहले थी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में। ठीक है, गठबंधन का धर्म होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इसमें कौन सी बात है, मोदी जी ने वहां सभा की थी, लाखों लोग सड़कों पे, जहां लाखों लोग पत्थरबाजी के लिए जाने जाते थे, वहां लाखों लोग मोदी जी को सुनने के लिए आए, और 96 के बाद पहली बार है कि वहां 40% वहां पे मत प्रतिशत था, शायद वो और भी बढ़ जाएगा अभी अगर अंतिम आंकड़े आएंगे तो। तो ये अच्छा साइन है लोकतंत्र का कि आपके युवराज जी वहां जाके किस तरह से अपनी बहना के साथ खेल रहे थे, आप सोच सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते थे वहां जिस तरह से वहां जाके गए थे। आज देखो वहां जन्माष्टमी के अंदर किस तरह से झांकियां निकाली जाती है, और किस तरह से हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वह लागू हो पाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यही बंगाल की है, बंगाल देखिए आप, हमारा लोकसभा में 18 सीटें थी जी, विधानसभा में हमारी सीटें कितनी जा पहुंची, 80 सीट के आसपास जा पहुंची। तो अभी हमारा जो हमारा मत प्रतिशत है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और 30 से ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां की जनता, जो बंगाल की जनता है, वो त्रस्त है ममता दीदी के उस भ्रष्टाचार से, उनकी तानाशाही से। तो वो उम्मीद की किरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में देख रही है, और जो हमारे करिश्माई नेता है मोदी जी, उनके नेतृत्व में हम उनका सूपड़ा साफ करेंगे। ठीक दीपक जागर, यही सवाल जो मैंने अभी बीजेपी से पूछा बिहार को लेकर, करीब करीब यही सवाल जो है वो कांग्रेस से भी बनता है। कांग्रेस को 9 सीटें बिहार में मिली, लेकिन इन 9 सीटों पर बिहार में कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे थे अपने लिए कि वो एक मजबूत उम्मीदवार दे सके। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी हार्टलैंड है, जहाँ यूपी है, बिहार है, कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ती जा रही है बिहार में भी। देखिए
ये आपका परसेप्शन है बनाने का तरीका कि आपको किसने कहा कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, आप कभी AICC गए, किसी आपके पत्रकार ने रिपोर्टिंग की वहां से कि कितने लोगों ने फॉर्म जमा किए, कितने लोग इंटरव्यू के लिए आए, कि किस तरीके से वहां पे सिलेक्शन पैनल बैठा था? माफ करना दीपक, मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी इस वक्त आप ही पार्टी के नेता प्रियंका गांधी अमेठी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं अमेठी। जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आज रुकवा दिए गए। राहुल जी ने यहाँ फूड पार्क की नींव डाली थी, कहा था कि यहाँ एक फूड पार्क बनेगा तो किसानों की बड़ी सुविधा होगी। यहाँ के किसान, रायबरेली के किसान अपने ऊपर उस फूड पार्क। तो अमेठी में आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी जी, अब आपने बात कंप्लीट कर सकते हैं दीपक। ये अंतर है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता जब बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी के पीछे भी लोग भाग रहे हैं तो आप दिखाते हैं, और प्रियंका गांधी जी जब बात करें, अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई, तो बराबर दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें ऑडियो को निष्पक्ष होना चाहिए दीपक, है ना, बहुत आसान होता है आरोप लगाना। दीपक, इसीलिए मैंने कहा कि जो आपने कहा कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ऑडियो की आप सुन रहे, आप देख, आप टेक्निकल चीजें जानते हैं क्या? आप टेक्निकल चीजें जानते हैं क्या? क्यों बहस, अब 2-3 मिनट बचे, उसमें भी आप मुझसे बहस करना चाहते हैं? जी 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 प्लीज, मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने देश की गरीबी का हाल बता दिया कि किस तरीके से लोग नंगे पैर भाग रहे हैं। भैया, 5 किलो राशन में देश को आप खरीद रहे हो, 5 किलो राशन दे के लोगों को आप मजाक उड़ा रहे हो, और एक तरफ सीना पीटते हो कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु बन गए हैं तो आप प्रज्वल रॉय वर्मा को तो लेके नहीं आ पाए, विश्व गुरु आप बन चुके हैं तो चोर मोदी ललित मोदी, चोर मोदी नीरव मोदी को आप अभी तक लेके नहीं आ पाए, तो कहां से विश्व गुरु का आपका डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में आपकी जगह हसाई हो रही है कि भारत में एक बलात्कारी भाग जाता है और मोदी जी उसको कहते हैं मेरा चेहरा है, तो मोदी जी का चेहरा है और दुनिया के किस कोने में छिपा हुआ है आज भारत की जनता पूछ रही है, और यहाँ की बेटियां, यहाँ की बहनें बेबस हैं, उसको आप पकड़ के ला नहीं पाते। ये हालात है, ये है मोदी जी का डंका। तो चेहरा, चाल, चरित्र और संस्कार, इनके सब कलुषित हो चुके हैं। देश मुद्दों की बात करना चाहता है और एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। ठीक ठीक विजय, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगा बाद में, जो आरोप दीपक झा ने आप पर लगाए हैं, आपकी पार्टी पर लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल 5 की पंचायत में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, समय कम है। अवधेश जी, सीधे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि चर्चा में जो है वो बिहार और उड़ीसा को लेकर, सीधा मेरा सवाल है कि बिहार और उड़ीसा को लेकर बीजेपी काफ़ी उम्मीद जता रही है, खासकर उड़ीसा में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो अभी जो 17 सीटें वहाँ पर बची हुई हैं, वहाँ पर किस तरह का आप देख सकते हैं कि बीजेपी गेन कर सकती है या नहीं? उड़ीसा का वातावरण पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती थी, 13 सीटें जो है नवीन पटनायक जी की पार्टी बीजू जनता दल के पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजू जनता दल के कई वरिष्ठ नेता, यहां तक कि विधायक और पूर्व सांसद भी निकल के भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां विपक्ष और सहयोगी दोनों की भूमिका, केंद्र में सहयोगी थे लेकिन ला के वहां लड़ाई लड़ी है, और जो हिंदुत्व का एक एजेंडा रहा है वो पश्चिम बंगाल, वो बिहार और उड़ीसा, वो सब जगह वो काम किया है। तो इस समय उड़ीसा का वातावरण बदला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां नंबर एक पार्टी हो जाएगी तो मुझे आशा नहीं होगा। ठीक है अवधेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उड़ीसा के बारे में कही है, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। विजय शर्मा जी, दीपक झा, तारिक खान और अवधेश कुमार, आप सभी चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए, आने के लिए। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही, देखते रहिए DD न्यूज़।